बाली नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर हुआ शुरू। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने 11 महिलाओं को वितरण किए पट्टे। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन भरत चौधरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह चारण, नगर पालिका उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी, महेंद्र परिहार, अजय पाल सिंह जोधा, कानाराम चौधरी सहित विभिन्न वार्ड पंच, जनप्रतिनिधि, समाज सेवक मौजूद रहे। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा, प्रयास होने चाहिए कि विभिन्न कॉलोनियों में आवासीय बस्ती के पट्टों से वंचित लोगों को आवासीय पट्टे ज्यादा से ज्यादा देकर लाभान्वित करना चाहिए। और अधिक से अधिक राजस्व नगरपालिका को मिले, जिससे हम इसका विकास कर सकते। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं। 2008 और 2013 में भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में एक कैंप रखा था, उस कैंप में भी सरकार का उद्देश्य यह था कि 99 के पूर्व जितनी भी कॉलोनियां हैं, अगर वो 60-40 में की है तो उसके स्वीकृति सरकार से लेकर आप उन कॉलोनी को रेगुलराइज करें और लोगों को पट्टे दें। मुझे बड़ा दुख होता है, कई नगर पालिकाओं ने, मतलब जैसे पाली में हमारी पार्टी कोई भी हो, केवल चंद गुरेचा जी वहां के मतलब चेयरमैन थे। मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान में अगर किसी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पट्टे दिए तो केवल जी गुलेचा ने, मतलब पाली में सबसे ज्यादा पट्टे दिए उसने। और उस टाइम नगर पालिका बाली का जो काम था, मैं समझता हूँ उससे वर्ष काम कहीं नहीं था। तो मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, 99 की जो उस टाइम जो थी कॉलोनी, तो सरकार को नियमित करने के लिए कहा था रेगुलर।